इस्तीफा दे दिया है। सीट और सत्ता के बंटवारे पर फॉर्मूला तय हुआ था, ऐसा अरविंद सावंत का कहना है। फॉर्मूले को शिवसेना और बीजेपी ने स्वीकार किया था, ये भी अरविंद सावंत का कहना है। अब शिवसेना को झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप लगाया है अरविंद सावंत ने। झूठ के माहौल में अब दिल्ली में क्यों रहना, ऐसा भी अरविंद सावंत का कहना है। इसी के साथ शिवसेना ने अरविंद सावंत ने ट्वीट कर इस्तीफे की जानकारी दी है। शिवसेना नेता अरविंद सावंत सुबह 11 बजे मीडिया से बातचीत करेंगे। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर जो संग्राम छिड़ा हुआ है, उसी से जुड़ी हुई अहम खबर है, जहां शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सीट और सत्ता के बंटवारे पर फॉर्मूला तय हुआ था, शिवसेना और बीजेपी ने इसे स्वीकार किया था, दोनों ही पार्टियों ने इस फॉर्मूले को स्वीकार किया था। अब शिवसेना को झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा शिवसेना नेता अरविंद सावंत का कहना है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि झूठ के माहौल में अब दिल्ली में वो क्यों रहेंगे, एक तरह से तंज उन्होंने कसा है। शिवसेना ने अरविंद सावंत के इस्तीफे की जानकारी ट्विटर के जरिए दी है। आपको बता दें कि शिवसेना नेता अरविंद सावंत सुबह 11 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे और अपना पक्ष रखेंगे। तो जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर ये महासंग्राम छिड़ा हुआ है, जो ताजा तरीन अपडेट निकल कर आया है उसके मुताबिक अब शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे